बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस मैथ सिंटेक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 पे हम आ गए हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले फिर दोबारा बता दूँ, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसी के नीचे मेरी पिक्चर बनी हुई है, उस पर लिखा हुआ है रटना नहीं समझना है। उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। पेज में लिखा होगा क्या, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको चार प्लेलिस्ट नज़र आ जाएंगी जो सिर्फ रिड्यूस्ड सिलेबस की हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। ये चार प्लेलिस्ट हैं और उस प्लेलिस्ट के अंदर आपके रिड्यूस्ड सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं। इंशाल्लाह आगे चल के मैं आप लोगों को वक्त मिलेगा तो केमिस्ट्री में से ख़ास तौर पर क्वेश्चंस आपकी बुक के मार्कआउट कराऊँगा जो कि आपके रिड्यूस्ड सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जी बिल्कुल, आपके पास नोट्स मौजूद हैं लेकिन आपको पता नहीं है ये बात कि आपके नोट्स में से कौन सा क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक है, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं बहरहाल। और एक चीज़ और, एक प्रॉमिस के साथ कि ये वीडियोज़ जो इस सोल्यूशंस की बन रही हैं ये एज़ इट इज़ आप छपाई नहीं करेंगे। आप ये देखेंगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स नाम है प्रैक्टिस का, ये कभी भी मत भूलिएगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की इसकी और आपने समझा, हाँ हमने समझ लिया, सर ने जो कराया ऐसे हो गया, तो आपने सीख ली मैथ्स पर, ये यकीन जानिए कभी भी नहीं सीख सकेंगे। अच्छा, तो सिंप्लीफाई की तरफ चलते हैं। ये एक्सरसाइज कौन सी है हमारे पास, 2.4। सिंप्लीफाई वर्ड का मतलब समझ लीजिए, जब भी सिंप्लीफाई वर्ड आ जाता है ना, या सॉल्व वर्ड आ जाता है, या फाइंड द वैल्यू वर्ड आ जाता है मैथमेटिक्स के अंदर, उसका हल क्या है आपके पास? उसका हल सिर्फ एक ही है। ये जो आप जुमला बोलने जा रहा हूँ ना, ये समझ लिया आपने तो आपको मज़ा आ जाएगा मैथ्स करने में, यकीन जाने आपके जहन से टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और पता है क्या, कौन सा जुमला है, कौन सा सेंटेंस है, सिंप्लीफाई, सॉल्व या मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन, आपको जो नज़र आ रहा है ना वो आप कर दें। हमारे लिए पहला स्टेप मैथ्स के क्वेश्चन में होता है कि पहला स्टेप कौन सा लेंगे आप। आपको जो नज़र आ रहा है वो आप कर दीजिए, इस चीज़ की टेंशन छोड़ेंगे रिजल्ट क्या निकलेगा आप कर दें। मैं बताता हूँ आपको, ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। ठीक है भाई, क्या नज़र आ रहा है मुझे, मुझे क्या नज़र आ रहा है? यकीनन आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे जहन में क्या है। मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, मुझे सीधा सीधा कटता हुआ नज़र आ रहा है। जब भी डिवीजन की कोई बात होती है तो जहन में फ़ौरन ये बात आती है कि हम इसको काटें कैसे। जब भी इस तरह से फ्रैक्शन हो, अपॉन में कुछ हो, आप यकीन रखें ये बात, दो बातें जहन में कर लें, एक तो कटना कैसे, दूसरा क्या कॉमन कैसे लेना है वेरिएबल्स का, जो कि हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। बहरहाल ये 3 के टेबल से जा रहा है, 3 1 3 3 4 12। अगर आपको काटना नहीं आता तो इसके लिए पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की, वो भी देख लीजिए। उसमें शुरू से मैंने अपनी सारी जो है ना बेसिक्स मैथ्स की पहले कवर कराई हैं। तो ये क्या बन गया, ये क्या हो गया इसका, 1/4 3 1 3 3 4 12। 6 की पावर लगी हुई है, बड़ा सा ब्रैकेट है, इसका मतलब 6 की पावर इसके ऊपर भी है, 6 की पावर इसके ऊपर भी है। 1 के ऊपर आप 6 क्या 6 क्या 6 लाख की पावर भी 1 पे लगा दें, 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 1 ही रहता है, लेकिन 4 पे फ़र्क पड़ता है। क्या बनेगा इसका, 6 दफ़ा इसको आप लिखेंगे, क्या करेंगे इसको 6 दफ़ा लिखेंगे, 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4। ठीक हो गया भाई, क्या बनेगा इसका, ये आप कैलकुलेटर उठाइए, 4 इसके ऊपर पावर लगाइए 6, ये जवाब आ गया 4096, और आपकी बुक में भी यही आंसर है। ठीक है भाई, 1/4096 तक। इससे अगर आप आगे लेके जाएंगे तो आपका जवाब फ्रैक्शन में नहीं आएगा, डेसिमल में आ जाएगा, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम डेसिमल में जवाब अपना ना ही लेके आए तो बेहतर है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, -12/5 और 5 की पावर लगी हुई। अगर आपके पास पावर वाली सिचुएशन है और अंदर कोई नंबर है, बेस वो नेगेटिव में है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्सरसाइज 2.2 में मैंने तफसील से बात बताई है कि पावर आपकी ऑड नंबर में है या इवन नंबर में। अगर ऑड नंबर की पावर है और अंदर नेगेटिव का साइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका नेगेटिव का साइन आखिर तक बरकरार रहेगा। समझ आ गई बात, आपकी बुक में जो इसको सॉल्व किया हुआ है वो कहाँ तक किया हुआ है, इससे आगे नहीं लेके गए। -12 के ऊपर 5 की पावर लगा दीजिए और 5 के ऊपर 5 की पावर लगा दीजिए, यही
आपकी बुक में आंसर है सिंटेक्स बुक बोर्ड, चेक कर लीजिएगा। और अगर किसी और की बुक में ये आगे सॉल्व हुआ हुआ है तो कोई इशू की बात नहीं है, देख लीजिए आप। -12 × -12 × -12 × -12 × -12 × -12 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस हो जाएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस हो जाएगा, माइनस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस हो जाएगा, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस हो जाएगा। याद रख लीजिए, मैंने हमेशा ये बात बताई है, जब भी आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले उनके साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद नंबर को नंबर से करें। नीचे 5 है, अब ये तो मैंने साइन का मसला हल कर लिया, आखिर में माइनस आ रहा है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी लंबी पावर आ जाए, बड़ा नंबर लंबा जो है वो नंबर बन जाएगा। लेकिन चलें इसको कर लेते हैं। याद रहे आपकी बुक में आंसर नहीं है 248832, इतना बड़ा नंबर बन रहा है ये, -248832। अच्छा 5 के साथ क्या होगा, 5 के साथ भी यही होगा, 5 × 5 × 5 ठीक है भाई, 5 5 आ गए हैं, तो इसका क्या जवाब निकलेगा, 5 के ऊपर 5 की पावर लगा दीजिए, ये बनेगा 3125। ये उन लोगों के लिए है जिनकी बुक में यहाँ तक सिंटेक्स बुक बोर्ड की यहाँ तक आंसर सॉल्व हुआ हुआ है, तो मेरे पास तो यहाँ तक ही है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी करें। a/b, इसके ऊपर होल पावर लगी हुई है 6, तो इसका क्या होगा, वेरिएबल के ऊपर कोई पावर लगी हो इसका क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसका सलूशन सिर्फ ये है, a के ऊपर 6 की पावर और b के ऊपर भी 6 की पावर, और यही इसका जवाब है जो कि बुक में भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बगैर टाइम किल किए हुए। ये पेज नंबर 41 है आपकी बुक का सिंटेक्स बुक बोर्ड, चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में 8 3 CD, ए के ऊपर 2 की पावर, बी के ऊपर कोई पावर नहीं है, -2। पावर जब माइनस में हो तो अलर्ट हो जाइए, हम पावर जो है वो माइनस में नहीं रखते। सॉल्यूशन पहले क्या करें, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर चेक कर लें कुछ कट तो नहीं रहा, ये मेरी नसीहत याद रख लें आप। ब्रैकेट लगाने का एक मकसद ये भी होता है कि वो आपको इनडायरेक्ट वे में बोलता है, ब्रैकेट का क्या मतलब है कि बाहर कुछ भी हो रहा है आप ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उसको सॉल्व कर लीजिए। तो ब्रैकेट में 8 और 3 ये कट नहीं सकते, ऊपर AB नीचे CD ये भी नहीं कट सकते, तो हमें अल्टीमेटली बाहर जाना पड़ेगा ब्रैकेट के। तो 8 के ऊपर -2 की पावर आ जाएगी, 3 के ऊपर -2 की पावर आ जाएगी, a के ऊपर 2 × 2 -4 की पावर आ जाएगी, b के ऊपर -2 की पावर आ जाएगी, c के ऊपर -2 की पावर आ जाएगी, d के ऊपर -2 की पावर आ जाएगी। समझ में आ गई बात, अब क्या करें, पावर का मसला नीचे वाली जो पावर्स हैं इन सबको ऊपर ले जाएं, ऊपर वाले नीचे वाले जो नंबर्स हैं उनको ऊपर ले जाएं, ऊपर वाले जो नंबर्स हैं सब नीचे ले आएँ, तो क्या होगा, पावर की साइन चेंज हो जाएगी, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा c स्क्वायर, ये हो जाएगा d स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा a के ऊपर पावर 4 और ये हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको आगे लेके चलें हम तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 3 3 = 9 और 8 8 = 64, c² d² a के ऊपर पावर 4 b के ऊपर पावर 4, इससे आगे ये नहीं हो सकता। 3 जो है वो 9 जो है 3 के टेबल में आता है, 64 जो है वो 2 के टेबल में आता है, ये कट नहीं सकते। तो यही आपका आंसर है और बुक में भी आपका यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास, -3 x³ y² 4 और उसके बाद 2 ut, क्या हल होगा इसका, वही सबसे पहले अंदर चेक करेंगे कुछ कट रहा है, नो कुछ भी नहीं कट रहा, तो बस फिर बाहर चलें, 3 के ऊपर भी 4 की पावर लगाएं, x
के ऊपर पावर लगी है, पावर से ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई होगी, 3 4s are 12 और 2 4s are 8 और यहाँ के जवाब आएगा नीचे 2 के ऊपर 4 की पावर लगी है लगा दीजिए, U के ऊपर भी 4 की पावर आ जाएगी, T के ऊपर भी 4 की पावर आ जाएगी। अब -3 के ऊपर 4 की पावर लगी हुई है तो इसका मतलब हुआ -3 × -3 × -3 × -3 x के ऊपर पावर 12, y के ऊपर पावर 8 और 2 × 2 × 2 × 2 u के ऊपर पावर 4, t के ऊपर पावर 4। क्या सिखाया है मैंने, जब भी मल्टीप्लाई करूँ एक नंबर को दूसरे से तो साइन को साइन से पहले मल्टीप्लाई करें, और माइनस का साइन जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाता है, फिर उसके बाद प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, मतलब फाइनली आपका जवाब जो आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, अब क्या जवाब आएगा, अब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 पॉजिटिव में साइन हम पहले चेक कर चुके हैं कि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो 81 और x के ऊपर पावर 12, y के ऊपर पावर 8 और यहाँ पर 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 u पावर 14, t पावर 4 इससे आगे ये नहीं हो सकता। 81 3 के टेबल में आता है, 16 जो है वो 2 के टेबल में आता है, कट नहीं सकते, ऊपर x y है, नीचे u t है, ये भी नहीं कट सकते, तो फाइनली यही आपका जवाब होना चाहिए। साथ साथ चेक भी करते रहें भाई, गलती हो सकती है, बंदा बशर है। 6 के ऊपर क्या है, 81 16, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट यही आपका बुक के मुताबिक जवाब आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7 की तरफ। 7 में क्या है, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट, फ्रैक्शन 2a² b³ c⁴ ऊपर 6 की पावर और नीचे क्या है 3l² और vw के ऊपर क्यूब। ये बच्चे इसको जो है ना वो 1 समझते हैं, ज़रा ध्यान से, ये 1 नहीं है भाई, ये l लिखा हुआ है लोअर केस में, स्मॉल लेटर में। 2 के ऊपर पावर 6 की लगाएं और उसके बाद a के ऊपर भी पावर है, b के ऊपर भी, c के ऊपर भी, तो क्या होगा, 2 6 12, b के ऊपर 6 3 18 और 4 6 6 4 20 4। उसके बाद 3 के ऊपर भी कौन सी पावर लगेगी, जगह बना लें थोड़ी सी, 3 के ऊपर कौन सी पावर लगेगी, 6 की, L के ऊपर 2 6 12, V के ऊपर 6 की पावर, W कितना हो जाएगा 6 3 18। ठीक हो गया भाई, अब स्पेस थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा। 2 के ऊपर 6 की पावर लगाइए, कैलकुलेटर लेके क्या जवाब आ रहा है, 64 आई थिंक, एग्जैक्टली ये हो गया हमारे पास 64 और a के ऊपर पावर 12, b के ऊपर पावर 18, c के ऊपर पावर 24, 3 के ऊपर 6 की पावर है, क्या आ जाएगा, 729 729 और L के ऊपर पावर 12, V के ऊपर पावर 6, W के ऊपर पावर 18, ये नहीं कट सकता, 64 और 729 ये नहीं कट सकते, क्या यही जवाब है, बिल्कुल यही जवाब है। ठीक है भाई, ये नहीं कट सकता इसलिए यही आपका जवाब है, मिटा दूं, आगे चलें, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये आ गया। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि सर के जहन में क्या चलता है किसी सवाल को लेके, मेन चीज़ ये है, कोई वजह तो होती है ना कि आखिर आपने ये क्यों किया, आप दूसरे तरीके से क्यों नहीं करते। सिंप्लीफाई करने का पहला उसूल और आखिरी जो नज़र आ रहा है वो आप कर दें। अच्छा भाई, 7 भी हो गया, 8 की तरफ चलते हैं, 8 फिर बड़ा सा ब्रैकेट, अंदर क्या है 17 और 7, ऊपर क्या है बी और सी, नीचे क्या है एक्स और वाई, पावर कितनी लगी हुई है 2 की, b के ऊपर 7, 5, x के ऊपर 3 और 2, क्या होगा 17 के ऊपर स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा ब्रैकेट के अंदर, कट भी नहीं सकता,
और 7 के ऊपर भी स्क्वायर बी कितनी पावर हो जाएगी 7 टू ज़ा 14 और सी कितनी पावर हो जाएगी 5 टू ज़ा 10 और एक्स के ऊपर 3 टू ज़ा 6 और वाई के ऊपर 2 टू ज़ा 4। अच्छा 17 का स्क्वायर लें तो क्या बनेगा 17 मल्टीप्लाई बाय 17 ये हो जाएगा 289 7 7 49 ये तो मुझे आता है। अच्छा बी के ऊपर पावर 14 सी के ऊपर पावर 10 एक्स के ऊपर 6 वाई के ऊपर पावर 4 यही आपका जवाब है भाई। इससे ज़्यादा आगे तो ये नहीं जा सकता। आंसर चेक कर लेते हैं इसका 289 बी 14 सी 10 49 एक्स 6 और वाई 4 एग्जैक्टली यही आपका जवाब है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए नहीं तो फिर वेट कीजिए। 9 करता हूँ मैं फिर दोबारा बड़ा सा ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है 18 और एक्स वाई जेड 6 ए बी सी एक्स के ऊपर पावर 4 3 2 और 2 5 होल पावर 3। क्या समझाया मैंने फ्रैक्शन में हो पहले कोशिश ये देख लें क्या कोई कट रहा है। बिल्कुल कट रहा है सीधा सीधा नज़र आ रहा है 6 1 6 6 3 18 ब्रैकेट के अंदर ये कटिंग हो रही है भाई बाकी और कुछ भी नहीं कट रहा। ठीक है क्या बचा आप 18 एक्स वाई जेड ए बी सी। ठीक है अब ये 1 बचा है 1 तो लिखते नहीं है अब ये पावर से पावर मल्टीप्लाई होंगी 4 3 12 3 3 9 2 3 6 ए के ऊपर 3 की पावर आ जाएगी 2 3 6 और 5 3 15 दैट्स इट। इससे आगे ये हो ही नहीं सकता भाई क्यों क्योंकि नंबर जो थे कटने वाले वो कट गए वेरिएबल्स जो हैं एक्स वाई जेड बी सी कोई मैच ही नहीं कर रहा इसलिए इनके कटने का कोई सिस्टम नहीं है। 10 पे आ जाइए 10 क्या कह रहा है अब 30 6 पावर है फिर एक्स वाई और नीचे भी है एक्स वाई होल पावर कितनी है 2 और यहाँ पर कितनी पावर है 10 8 और 3 और 2। जी जनाब अब कटने का सिस्टम हो रहा है ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल अब कटिंग शुरू हो गई। सबसे पहले तो साइन से साइन कट रहा है माइनस से माइनस कट रहा है उसके बाद 6 का टेबल 6 1 6 6 5 30। ठीक है भाई 6 5 30 उसके बाद फिर क्या बचा हमारे पास 5। ठीक है उसके बाद हमारे पास एक्स के ऊपर पावर कितनी है हमारे पास 10। तो अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले ज़रा रुक जाइए क्योंकि पावर्स अब हैं बड़ी बड़ी आप ज़रा इन वेरिएबल्स को भी काट लें और सीख लें कि कैसे कटते हैं। कटेंगे बिल्कुल ऊपर एक्स है नीचे भी एक्स है ऊपर वाई है नीचे वाई है क्योंकि साइन चेंज है यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते हैं आप इनको काटते हुए ज़रा साइन का ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव साइन है इनकी भी एक्स और वाई के पावर की और यहाँ पर एक्स और वाई के पावर की भी पॉजिटिव साइन है। ये कितने पावर हैं ये कितने वेरिएबल हैं 3 है एक्स के ऊपर 3 लगा हुआ है तो इसका मतलब 3x हैं। इनको आसान कीजिए मुश्किल नहीं कीजिए एक्स के ऊपर पावर 3 इसका क्या मतलब है 3x हैं। यहाँ पर कितने एक्स हैं एक्स के ऊपर 10 की पावर है मतलब 10x हैं। इन 3x को इन इसके 3x से लड़वा देते हैं इसके तीन ये 3x इसमें 10 में मौजूद 3x को काट देंगे तो 10 में से 3x कट जाएंगे तो x कितने बच जाएंगे फिर 7 बच जाएंगे वेरी सिंपल। नीचे वाले x जो 3 थे वो तो गए ऊपर वाले जो 10x थे उनमें से 3 गए। इसी तरह y को देखें y 2 है यहाँ पर ऊपर y कितने हैं 8 हैं इसके 2y इसके 2y को काट देंगे तो कितने y बच जाएंगे 6y बच जाएंगे। नीचे x भी कट गया y भी कट गया 6 भी कट गया ये इसकी कहानी ख़त्म हो गई अब इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 5 ये ब्रैकेट छोटा आ गया और 2 की पावर लो तो ये थी ब्रैकेट के अंदर की कहानी। ब्रैकेट के अंदर जितना हो सकता है ना उतना उसको आप कीजिए जो कुछ पॉसिबिलिटी है ब्रैकेट के अंदर। ये कटता हुआ नज़र आ रहा था काट दिया वेरिएबल्स कटते हुए नज़र आ रहे थे
काट दिए बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर चलते हैं, अब मज़ीद ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं हो सकता, ब्रैकेट के बाहर चलते हैं। अब पावर जो लगी हुई है, अब ये सबके ऊपर है, 5 5 20 25, लेकिन मुझे लग रहा है इस सवाल में कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्यों सिक्स सेंस मेरा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, हाँ हाँ आप भी देखें सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन तो सही तरह लिख लें, ये 5 है भाई, सॉरी ये 5 है, ये 5 है, 5 1 5 5 6 30, मैं कह रहा था कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे 6 बचेगा। अब सर को कैसे पता कि गड़बड़ हो रही है भाई, जादू जानते हैं? नहीं, जादू नहीं जानते, बात ये है कि सर ने भी ऑब्वियसली बात है मुंह उठा के थोड़ी ना पढ़ाने के लिए खड़े हो जाते हैं, चलो वीडियो बनाते हैं भाई, नहीं नहीं हम भी ऑब्वियसली बात है मेहनत करते हैं, पहले लेक्चर्स बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, फिर वीडियो बनाने के लिए आते हैं, ऐसे थोड़ी आ जाते हैं भाई। तो मुझे क्लिक हो रहा था कि मैंने सॉल्व करते हुए जो है यहाँ ये नहीं था। चलें आगे चलते हैं, आप 6 6 36 हो जाएगा, 6 के ऊपर 2 की पावर, x के ऊपर 7 की पावर है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, 7 2 14, एक्स के ऊपर कितनी पावर आ गई 14 की, ठीक है, और वाई के ऊपर कितनी पावर आ गई 6 2 12, ये आपका जवाब हो गया 36, एक्स पावर 14 वाई पावर 12, क्या यही जवाब है? जी बिल्कुल यही जवाब। अच्छा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और उसके बाद 12 रह जाएगा, मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 11, 3a b c और xyz होल पावर कितनी है -5, ठीक है -5 है, ओहो -5 है तो माइनस की पावर आएगी। अच्छा अंदर देखें कुछ हो रहा है, कुछ कट रहा है? नहीं, इनकी पावर भी लगा लें, 3 2 और 6, 3 2 और 6, ये भी पावर लग गई। चले सॉल्व करते हैं, पावर नेगेटिव पावर का मसला बाद में हल कर लेंगे, अंदर तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई कटिंग नहीं हो रही। 3 के ऊपर 5 की पावर लगा दीजिए -5 की, a के ऊपर पावर लगी हुई है 3, तो ऑब्वियस सी बात है a के ऊपर भी माइनस की ही पावर आएगी, 3 5 15 माइनस का, b के ऊपर 2 की पावर लगी हुई है -10 की पावर हो जाएगी, c के ऊपर 6 की पावर लगी हुई है 6 5 30 -30 की पावर आ जाएगी, x के ऊपर -5 y के ऊपर -5 और z के ऊपर -5। सवाल उतारने में तो गलती नहीं की, 3 a b c ठीक हो गया, कोई गलती नहीं है, x y z और -5 की पावर, बस अब इनको ऊपर ले जाते हैं और इनको नीचे ले आते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये और a के ऊपर 15, b के ऊपर पावर 10, c के ऊपर 30, ये लीजिए भाई। अच्छा और मज़ीद आगे कुछ हो सकता है? हाँ ये 3 जो है ये मुझे आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है, 3 के ऊपर पावर लगेगी कितनी 5 की, 243 एग्जैक्टली, आपकी बुक में भी यही आंसर है। a पावर 15, b पावर 10 और c पावर 30, ये लीजिए भाई, बुक में भी यही आंसर है, एग्जैक्टली बुक में भी यही आंसर है। चलें क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके इस वीडियो को तमाम करते हैं। क्या है 12 और 6, MNP, वाह भाई अब तो बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अंदर कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये 6 1 6, 6 2 12 और MNP के ऊपर कौन कौन सी पावर है 4 3 2 4 3 2 और 2 2, बस 2 2। चले इनकी लड़ाई करवाते हैं आपस में, ये 2m है, ये 4m है, 2m ने इसके 2m को मार दिया, यहाँ पर n 2 है, यहाँ पर n 3 है, ये 2n ने इसके 2n को मार दिया, ये 1p है, यहाँ 2p है, 1p ने इसके 2 में से 1p को मार दिया, क्या बचा 2
एम स्क्वायर एन और पी, ठीक है। होल पावर क्या बनेगी, टू। अच्छा फिर आप पावर लगा देते हैं, टू टू ज़ा फोर, एन के ऊपर स्क्वायर, पी के ऊपर स्क्वायर, टू टू ज़ा फोर और फोर एन स्क्वायर पी स्क्वायर। मेरे ख्याल में यही आंसर होना चाहिए भाई, अगर कहीं गड़बड़ नहीं की मैंने तो, फोर एम पावर फोर एन स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। तीन दिन छुट्टी आ रही है, आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन छुट्टी आ रही है। तो मेरी कोशिश होगी कि बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री तो नहीं, केमिस्ट्री तो पांच चैप्टर मैंने निपटा दिए हैं, पढ़े हुए हैं, पहले उनको आराम से देखें रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक, बाकी ये तीन पे भी ज़रा काम करते हैं, केमिस्ट्री को बाद में देख लेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।